नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस वन क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व कर रहे हैं। फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 रेज़ टू पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। सिर्फ थ्री टर्म्स अप्रोक्सीमेट हमने करना है, क्या होगा सॉल्यूशन देखिए। 0.99 रेज़ टू पावर 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.01, 0.01 रेज़ टू पावर 5 ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब थ्री टर्म्स में इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 5C0 1 रेज़ टू पावर 5। सेकेंड टर्म हमारे पास माइनस होगी, माइनस 5C1 1 रेज़ टू पावर 4 into 0.01 रेज़ टू पावर 1। थर्ड टर्म इज 5C2 1 रेज़ टू पावर 3 and 0.01 रेज़ टू पावर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ये 1 हो गया, सो दैट इज 1। माइनस 5C1 मीन्स 5 into 1 into 0.01 हो गया। 5C2 का मतलब 5 into 4 20 upon 2 into 1 10 हो गया, into 1 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0001 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 1, ये वैल्यू कितनी हो जाए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो गया 0.05 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 0.001, एक पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा। प्लस का हमारा कितना हो गया, 1.001 माइनस 0.05, माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस करेंगे 0.005 क्या होगा, 159, तो वैल्यू आ जाएगी 0.951 इज योर आंसर। ये अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। फाइंड एंड इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज √6:1। बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म का और एंड से फिफ्थ टर्म का जो रेशियो दिया हुआ है इस एक्सपेंशन में, √6:1 है। देखिए हमारे पास सॉल्यूशन में एक्सपेंशन दिया हुआ है 4√2 प्लस 1/4√3 रेज़ टू पावर n। फिफ्थ टर्म अगर हम यहाँ से स्टार्टिंग से निकालना चाहते हैं, फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग क्या होगी हमारे पास, NC4 फिफ्थ टर्म, NC4 फोर्थ नंबर पे फिफ्थ टर्म होती है हमारे पास यहाँ पे, क्यों, क्योंकि TR+1 जब लेते हैं, T5 अगर हम लेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, T4+1, R की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 4। सो NC4 इंटू 4√4 की पावर क्या बन गई, N-4 एंड प्लस इंटू 1/4√3 रेज़ टू पावर 4 हो गया। ये हमारे पास क्या होगी, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। अब एंड वाले पे ध्यान दीजिए, सबसे एंड में हमारे पास टोटल टर्म्स अगर एन एक्सपेंशन में है, टोटल टर्म हमारे पास क्या होंगी, n+1। लास्ट वाले में हम क्या लेते हैं, लास्ट वाला हमारा क्या होता है, NCn, इससे लास्ट वाला क्या होगा, NCn-1 NCn-2 NCn-3 एंड NCn-4। ध्यान दीजिए, लास्ट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारे पास जो होगी वो क्या होगी, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। सो NCn-4 फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट क्या बनेगी, NCn-4। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, n-4। a रेज़ टू पावर n माइनस n, ये प्लस का 4 हो जाएगा, इंटू b
फोर्थ रूट ऑफ थ्री रेज टू पावर एन माइनस फोर हो जाएगा। और इन दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, रूट सिक्स इज टू वन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनका रेशियो ले लेते हैं, हमारे पास ऊपर वैल्यू क्या बनेगी, इसको मैं सॉल्व करके भी लिख रहा हूँ, एन सी फोर मीन्स एन फैक्टोरियल इन अपॉन एन माइनस फोर फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल। इसको आप सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास वन अपॉन फोर है तो टू की पावर एन माइनस फोर अपॉन फोर। ध्यान दीजिए ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टू की पावर वन अपॉन फोर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एन माइनस फोर इंटू वन अपॉन थ्री की पावर वन अपॉन फोर है, वन अपॉन फोर से फोर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ये हमारे पास वन अपॉन थ्री रेज टू पावर वन अपॉन फोर है, इसकी पावर फोर करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपॉन क्या हो गया, थ्री हो गया, डिवाइडेड बाई, इसको सोल्व करेंगे ये हमारा हो गया एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस एन प्लस का फोर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस फोर फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे यहाँ से एन कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का फोर ही बचेगा, सो ये हो गया हमारा रूट टू की पावर वन अपॉन फोर इंटू फोर। सो ये वैल्यू अकेले कितना आ जाएगा, जैसे ये सोल्व हुआ था यहाँ पे भी क्या हो गया, ये टू हो गया इंटू थ्री की पावर वन अपॉन फोर है, सो ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री की पावर एन माइनस फोर अपॉन फोर हो जाएगा, एन माइनस फोर अपॉन फोर हो गया। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, रूट सिक्स अपॉन वन के। एन फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, एन माइनस फोर फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, देखिए एन से एन कैंसिल हो गया तो फोर फैक्टोरियल ही बचा, ये वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, कैंसिल होगी, थ्री इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सिक्स रह जाएगा, ये वन अपॉन थ्री है तो ऊपर चला जाएगा, टू रेज टू पावर एन माइनस फोर अपॉन फोर इंटू थ्री रेज टू पावर एन माइनस फोर अपॉन फोर एंड डिवाइडेड बाई टू इंटू थ्री इज इक्वल टू रूट सिक्स अपॉन वन। ये वैल्यू पावर सेम है तो ये हो जाएगा हमारे पास सिक्स रेज टू पावर एन माइनस फोर अपॉन फोर, सिक्स उधर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या बन जाएगा, सिक्स इंटू रूट ऑफ सिक्स, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सिक्स इंटू सिक्स रेज टू पावर वन बाई टू, इनको आप ऐड करेंगे तो सिक्स की पावर एन माइनस फोर अपॉन फोर की वैल्यू कितनी हो गई, सिक्स रेज टू पावर थ्री बाई टू। बेस से में पावर इक्वल होंगी, एन माइनस फोर अपॉन फोर की वैल्यू कितना हो गया, थ्री बाई टू, कैंसिल करेंगे टू क्रॉस मल्टीप्लाई, एन माइनस फोर इज इक्वल टू सिक्स हो गया, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन हो जाएगी। यहाँ पे बस स्पेशल ध्यान देने वाली जो बात है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट जब हम लेते हैं इसका आपने स्पेशल ध्यान देना है, लास्ट में हमारे पास एन सी एन होता है, मीन्स लास्ट ही ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी, या फिर एन सी एन माइनस वन लास्ट से हमारे पास सेकेंड टर्म होगी, और एन सी एन माइनस टू ये हमारे पास लास्ट से थर्ड टर्म होगी, एन सी एन माइनस थ्री ये फोर्थ होगी, और एन सी एन माइनस फोर जो होगी वो हमारे पास लास्ट से फिफ्थ टर्म होगी। यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसको स्पेशल आपने ध्यान से करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर एट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।